नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोनर स्टडी पॉइंट के ऊपर। अगर आप हमारे YouTube चैनल सोनर स्टडी पॉइंट के ऊपर पहली बार विजिट किया है तो हमारे YouTube चैनल सोनर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको तमाम जो राजस्थान की भर्तियां हैं और जो अन्य भर्तियां हैं उनके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग की महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। जैसा कि कल 19 तारीख को दो महत्वपूर्ण जो बातें निकल के आई चिकित्सा विभाग की, जो नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती है उससे संबंधित दो महत्वपूर्ण बातें निकल के आई। एक बात तो ये कि हाई कोर्ट ने, जो जोधपुर हाई कोर्ट की बेंच है, जोधपुर हाई कोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती पर 4 तारीख तक क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। उसके बाद में सभी जो स्टूडेंट्स हैं नर्सिंग ऑफिसर के घबराए हुए हैं कि सर अब क्या होगा, भर्ती पर रोक लग गई, ज्वाइनिंग कब होगी, क्या होगा, कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स, उसी के लिए ये सेशन हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आपकी जो जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर क्या मामला था और जयपुर हाई कोर्ट के अंदर क्या मामला था, इन दोनों मामलों को हम इस सेशन में देखने वाले हैं। सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर भर्ती पर रोक 4 नवंबर तक क्या लगाई है, रोक लगाई है जोधपुर हाई कोर्ट में। एक जो स्टूडेंट है जितेंद्र छंगानी, इन्होंने जोधपुर हाई कोर्ट में रोक लगाई है। क्यों लगाई है रोक, क्योंकि इनके बोनस के अंक नहीं जुड़े हैं, इसलिए इन्होंने क्या लगाई है, वहां पे रिट लगाई है। और कोर्ट ने 4 नवंबर तक, जब तक उसकी सुनवाई नहीं होती है तब तक क्या लगा दी है रोक, और 4 तारीख को आगे क्या है सुनवाई है। क्योंकि कोर्ट ने जो चिकित्सा विभाग है, मुख्य सचिव है, निर्देशक है, उनसे क्या मांगा है, जवाब मांगा है कि इसको बोनस अंक क्यों नहीं दिया। अब इस स्टूडेंट्स का क्या है मामला, इस स्टूडेंट्स के पास 3 वर्ष 4 माह और 5 दिन का क्या है अनुभव है, क्या है अनुभव है, अर्थात इसने काम किया है 3 वर्ष 4 माह और 5 दिन का क्या है इसके पास अनुभव है। लेकिन हुआ क्या है कि इसने जो यहाँ नागौर का ये व्यक्ति है, नागौर CMHO ने पुराना जो फॉर्मेट होता है आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनाने का, जो पुराना फॉर्मेट होता है जिसमें 8वां जो कॉलम था किसका, कोविड में काम करने का, वो उस जो 2022 तक जो अनुभव प्रमाण पत्र चलता था, 2022 से पहले का जो पुराना फॉर्मेट था अनुभव प्रमाण पत्र का, उसी अनुभव प्रमाण पत्र में इस स्टूडेंट्स जितेंद्र जी ने क्या बनवा लिया, नागौर CMHO से क्या बनवा लिया, अनुभव बना लिया। और जो उसने कोविड में काम किया उस कोविड के काम का जिक्र उस अनुभव प्रमाण पत्र में नहीं किया, क्योंकि गलती तो नागौर CMHO की भी है कि उसको पुराना जो ओल्ड फॉर्मेट है उस ओल्ड फॉर्मेट के अंदर क्या नहीं बनाना चाहिए था, अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाना चाहिए था। और अनुभव प्रमाण पत्र बना दिया और उसके बाद में जो भर्ती आई उस भर्ती के अंदर उस अनुभव प्रमाण पत्र को लगा भी दिया। अब कोविड में काम नहीं किया, उसके अंदर 8वां कॉलम नहीं था पुराना फॉर्मेट में, अब नया होता तो उसमें 8वां कॉलम होता कि कोविड में काम किया तो उसको बोनस अंक क्या होते मिलते, उसको क्या मिलते, बोनस अंक मिलते। और कितने मिलते, बोनस अंक 3 वर्ष के हिसाब से 4 माह का है तो उसको 30 अंक किसके मिलते, बोनस के मिलते। लेकिन उसका ओल्ड फॉर्मेट होने के कारण उसे बोनस अंक नहीं दिया गया और उसका फाइनल जो अंतिम वरीयता सूची आई उसके अंदर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसने जोधपुर हाई कोर्ट में क्या लगाई, जोधपुर हाई कोर्ट के अंदर रिट लगा दी उसके अंदर। और उसके बाद में जोधपुर हाई कोर्ट ने जो चिकित्सा विभाग के मुख्य सचिव निर्देशक है उनसे जवाब मांगा है कि इसको बोनस अंक क्यों नहीं दिया। तो ये इस व्यक्ति का मामला था, जितेंद्र जी स्टूडेंट है उनका, गलती दोनों की है। बीच में भी आपका सितंबर में परिवेदना लगाई थी उस टाइम भी चेंज नहीं किया और अब जाके भाई साहब ने क्या कर दिया, जोधपुर हाईकोर्ट में स्टूडेंट्स ने क्या लगा दी, रिट लगा दी और कोर्ट ने उसके ऊपर 4 तारीख तक जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है उसके ऊपर क्या लगा दी, रोक लगा दी। एक तो पहला मामला तो यह है कि किस वजह से रोक लगाई,
अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर क्या होगा, कुछ नहीं होगा स्टूडेंट, 4 तारीख तक तो आपकी ज्वाइनिंग या जो भर्ती है कंप्लीट होने वाली नहीं है, क्योंकि वैसे ही आचार संहिता चल रही है इस टाइम पे, और आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो आपको पता है कि आचार संहिता अर्थात जो नई गवर्नमेंट बनेगी वही आपको क्या देगी, ज्वाइनिंग देगी, क्योंकि आचार संहिता अर्थात चुनाव से पहले पहले आपकी ये भर्ती ऐसे भी अभी ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है। जो दूसरी जो खबर है इसके अंदर 2 नंबर की, वो है जयपुर हाईकोर्ट से। जो जयपुर हाईकोर्ट से क्या है मामला कि जो स्टूडेंट्स थे जिनके ज्यादा अंक थे और उनको अंतिम वरीयता सूची में शामिल नहीं किया गया, तो उन्होंने भी किसका रुख कर लिया, कोर्ट का रुख कर लिया, और कोर्ट में क्या लगा दी, रिट लगा दी कि हमारे ज्यादा अंक होते हुए भी हमें अंतिम वरीयता सूची में शामिल नहीं किया गया, और हमसे जो कम थे उनको अंतिम वरीयता सूची में क्या किया गया, शामिल किया गया, तो इन्होंने भी रिट लगा दी। तो इसके ऊपर भी कल जो आपका और एक और इसके अंदर बोनस अंक का मामला था कि बोनस अंक का भी क्या था, तो इनको तो देखो परिवेदना लगा दी कि इनको तो होल्ड वाले और जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया उनके लिए परिवेदना लगा दी, उनका सॉल्यूशन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इनका। तो एक और है बोनस अंक 30 दिन की बजाय 26 दिन का महीना, ये भी सुनने में आ रहा, अब सुनने में क्या हुआ भी है, शायद इसी वजह से खबरों में चल भी रहा है कि जो सिफू ने महीना तो वैसे जैसे पहले संशोधित जो जारी किया था निर्देश उसके अंदर कि महीना 30 दिन का माना जाएगा और जब महीना पूरा होगा तभी क्या दिया जाएगा, उसको बोनस अंक दिया जाएगा। तो इसके अंदर यह था कि महीना क्या मान लिया, 26 दिन जिसने काम किया उसके बोनस अंक किसके बराबर मान लिए, 1 महीने के अंक के बराबर मान लिया। तो ये भी आपका कोर्ट में मामला है कि तो इसके बारे में भी जवाब मांगा है कोर्ट ने चिकित्सा विभाग से कि आपने ऐसा किया है या 30 दिन के हिसाब से 1 महीना माना है या 26 दिन के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स ने कोर्ट में क्या लगा दी, याचिका लगा दी, रिट लगा दी, याचिका लगा दी। तो ये जो जयपुर हाईकोर्ट का ये मामला था, तो ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु, सुबह से स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा स्टूडेंट्स, अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो आप नो टेंशन रहिए, बिंदास रहिए, 4 तारीख को सुनवाई हो जाएगी, जो ये जितेंद्र जी है इनको क्या मिल जाएगा, बोनस अंक दे दिया जाएगा, और जो जवाब देना है किसको, कोर्ट को, चिकित्सा विभाग की तरफ से, निर्देशक की तरफ से, मुख्य सचिव की तरफ से, वो जवाब दे देंगे कि इन्होंने ओल्ड फॉर्मेट लगाया था उसके अंदर कोविड का जिक्र नहीं था इस वजह से, तो अब इनसे दोबारा अगर अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जाएगा तो ये लगा देंगे और इनको क्या दिया जाएगा, बोनस अंक दिया जाएगा, और भी इनकी तरह कोई स्टूडेंट होगा तो उसको भी क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो और भर्ती कोई कैंसिल नहीं होने वाली, आपकी 100% आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। अब हो सकता है इसमें टाइम ज्यादा लगे कि आपका दिसंबर निकल जाए या जो नई सरकार बनेगी 3 दिसंबर को परिणाम आते हैं, उसके बाद जो नई सरकार बनेगी उसी के कार्यकाल में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। कहीं स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर नई गवर्नमेंट आएगी तो क्या भर्ती को कैंसिल तो नहीं कर देगी, बिल्कुल नहीं करेगी, जो भी गवर्नमेंट आएगी वो आपको 100% आपको क्या देगी, आपको ज्वाइनिंग देगी 100%। कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो इन जो 8 कैडर की भर्तियां हैं उनको कंप्लीट करेगी। तो ये स्टूडेंट्स आपके डाउट्स थे इसको लेकर के, कई स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि सर क्या मामला था कि कोर्ट में क्यों अटक गई, कोर्ट ने क्या रोक लगा दी, क्यों लगा दी, तो आपको समझाया कि इसलिए रोक लगी, ये मामला था नागौर CMHO ने पुराना जो फॉर्मेट था अनुभव प्रमाण पत्र का उसी का ऊपर बना के दे दिया, उसमें 8वें कॉलम में कोविड का जहां जिक्र होता है कि कोविड में काम किया है या नहीं किया है वहां पे उसका जिक्र नहीं था, इस आधार पर इसको बोनस अंक नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, धन्यवाद।